सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बहुत ही विनम्रता पूर्व स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद 7 और 8। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। प्रारंभ में पढ़ी गई आयतें नियमित रूप में बाइबल पढ़ने वाले सभी विश्वासियों के लिए एक परिचित पवित्र शास्त्रीय भाग। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब अपने पवित्र प्रेरितों के साथ गसमने बगीचे में थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए यहूदा इस्करियोती की अगुवाई में रोमी सेना आते समय जो घटना घटी है हम यहाँ देखते हैं। बिल्कुल भोर के समय, जब सूरज का उदय ही नहीं हुआ था, लगभग एक ही प्रकार वस्त्र धारण करने वाले और बाल दाढ़ी आदि रखने वाले यहूदी भूमिका के प्रेरितों के बीच में उसी भूमिका से आए हुए यीशु मसीह को पहचानने में सैनिकों को परेशानी हो रही थी। भयभीत हुए अपने शिष्यों को बचाते हुए प्रभु यीशु मसीह अपनी पहचान स्वयं सैनिकों के सामने देकर कहने वाली बातें हम यहाँ देखते हैं। यीशु मसीह ने रोमी सैनिकों, प्रधान याचकों और फरीसियों के दल को देखकर इस प्रकार पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? उन लोगों ने उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने प्रत्युत्तर किया, मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ आश्चर्य रूप में उनसे जो कहा था वो याहवे था। मैं हूँ उसके हिंदी अनुवाद है। याहवे अथवा यहोवा शब्द का आश्चर्य अर्थ मैं जो हूँ सो हूँ है, अर्थात मैं अनादिकाल से अनंत काल तक अस्तित्व रखने वाला हूँ। मूसा को मिस्र की ओर भेजने के पूर्व अपनी पहचान के रूप में यही नाम परमेश्वर ने मूसा से कहा था, निर्गमन 3:14। प्रभु की आवाज के सामने उनको गिरफ्तार करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर आई हुई रोमी सेना और उनके साथियां पीछे की ओर गिरते हुए हम वहां पढ़ते हैं। आए हुए लोगों का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह को रोमियों के द्वारा मृत्युदंड दिलाना था। परंतु यहाँ ध्यान देने की दो मजेदार बात है, जो अनादिकाल से अनंतकाल जीवित है उनको कैसे मृत्यु के अधीन कर सकते हैं? दूसरी बात, जिनकी आवाज के सामने जो लोग खड़े नहीं रह पाए वे लोग उनको कैसे गिरफ्तार कर पाएंगे? ये दोनों प्रश्नों के उत्तर यह है कि ना ही वे लोग उनको गिरफ्तार कर पाएंगे, ना ही उनको मृत्यु के अधीन कर पाएंगे। ये दोनों कार्य मनुष्य के लिए असंभव की बात है। यदि वे लोग अपनी क्षमता से उनको पकड़कर मार पाते तो पहले ही करते। वचन में हम ये देखते भी हैं कि पूर्व में भी कई बार वे लोग यीशु मसीह को मार डालने की कोशिश की थी जो सफल नहीं हुए। यूहन्ना 7:30, 8:59, 10:39 आदि पढ़िएगा। यहूदा भी जो यहूदियों के प्रधानों से यीशु मसीह को पकड़वा कर देने के लिए घूस लिए थे, शायद यही सोच रहा था कि पूर्व के समान प्रभु उन लोगों के हाथों से गसमने बगीचे में भी बच निकलेंगे और उनसे जो रुपये लिए वे अपने ही पॉकेट में भी रहेगा, अर्थात एक ही समय दोनों को उल्लू बना करके पैसे कमाएंगे। परंतु गसमने में पीछे की ओर गिरे हुए यहूदियों के मुख्यालय एवं रोमी सेना पुनः एक आवाज सुनी, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं, यदि मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। प्रभु यीशु मसीह के इस प्रस्ताव का एक विशाल अर्थ भी है। क्रूस पर मरने के लिए स्वर्ग से आए हुए एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। अन्य कोई व्यक्ति क्रूस पर प्रायश्चित मृत्यु सहने से ना ही मनुष्य को पाप से क्षमा मिलेगी ना अनंत जीवन मिलेगा। पाप क्षमा देने के लिए प्रायश्चित बलि जो बनेगा वो पाप रहित एवं परम पवित्र होना चाहिए। जिस संसार में एक भी धर्मी नहीं है, कोई नहीं है, वहां संसार से कोई प्रायश्चित बलि होने से संसार को पाप विमुक्ति कैसे मिल सकती है? इसलिए परम पवित्र परमेश्वर ही स्वयं
कुमारी कन्या के द्वारा मनुष्य जन्म लिया। कुमारी मरियम के पास फरिश्ते गब्रियल ने आकर 700 वर्ष की पूर्व की भविष्यवाणी को याद दिलाया, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ अथवा परमेश्वर मनुष्यों के बीच में। यशाया 7:14 और मत्ती 1:22। अपनी कुमारी हालात में ही गर्भवती होने से मरियम इसलिए इनकार नहीं किया क्योंकि पवित्र शास्त्र को मानने वाली उस धन्य महिला ये समझ ली थी कि उसकी देह में जो नया जीवन उत्पन्न हुआ है वो स्वयं अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर का मनुष्य जन्म है। लुका अध्याय 1:46-55 तक। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भी क्रूस पर चढ़ना अनिवार्य था क्योंकि अनंत जीवन देना नाशवान मनुष्य से संभव नहीं है। जैसे पापी को पाप क्षमा देना एक पवित्र व्यक्ति से ही संभव है, वैसे ही अनंत जीवन देना भी ऐसा व्यक्ति से ही संभव है जिनका ना आदि है ना अंत है। इसलिए परमेश्वर जो परम पवित्र और सनातन है मनुष्य रूप में जगत में आया ताकि हमारे लिए प्रायश्चित बनकर हमारी मृत्यु को, पाप का दंड मृत्यु को हमारे बदले सह सके। प्रभु यीशु हमारे पाप के बदले पाप का दंड उस अनंतकालीन मृत्यु को क्रूस पे सहा, परंतु अनंतकालीन परमेश्वर को कब्र में बंद रखना शैतान और मृत्यु के लिए संभव नहीं था। इसलिए प्रभु मरे हुए में से तीसरा दिन जी उठकर हम मानव जाति के लिए पाप क्षमा एवं अनंत जीवन उपलब्ध कराए। आज कोई भी अधम भावी भी घिनौने अपराधी भी यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करके अपना जीवन उनके लिए समर्पण करेंगे तो यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का एकमात्र उद्धार करता है। उनके पावन नाम युगानुयुग महिमामय रहे, आमीन। राजा हो या हो वो भिखारी, पापी हो या हो वो पुजारी, राजा हो या हो वो भिखारी, पापी हो या हो वो पुजारी, माफी का देता है बुदा, माफी का देता है बुदा। यीशु राम भजले तुमन रे, उसका सुमिरन तू कर ले रे। यीशु राम भजले तुमन रे, उसका सुमिरन तू कर ले। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम प्यारा नाम। सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान, सुमिरन कर मन यीशु नाम, पूरे करता सब अरमान। हो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, 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 ओ यीशु नाम प्यारा नाम, ओ यीशु नाम।